नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभावी। पेश है आज की प्रमुख खबर। राजधानी लखनऊ में एक दिन में तीसरा गोली कांड आया सामने। फौजी ढाबे के आगे कार सवार युवक पर चली गोली। हमले में युवक के कंधे में लगी गोली। घायल अवस्था में मड़ियावां थाने पहुंचे युवक ने मड़ियावां पुलिस को दी सूचना। मड़ियावां इंस्पेक्टर की सूचना पर बीकेटी पुलिस पहुंची थाने। युवक के आरोप पर पुलिस ने लिया आरोपी युवक को हिरासत में कर रही पूछताछ। गोली कांड की घटना को पुलिस मान रही संदिग्ध, लेकिन कार के बोनट पर मिले कारतूस के खोखे बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित फौजी ढाबे के पास की घटना। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मड़ियाओं के थाना अध्यक्ष द्वारा थाना अध्यक्ष बीकेटी को बताया गया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनके थाने पर आया है गाड़ी चलाकर, जिसके कंधे में गोली लगी हुई है और उसका कहना है कि फौजी ढाबा से 100 मीटर आगे उसको एक अन्य व्यक्ति ने, जो पीछा करके आ रहा था उसके साथ साथ गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में, उसने उसकी गाड़ी को रोक के उस पर फायर किया तो गोली लगी। उसने कहा कि पहले उसने खुद भी फायर किया था आत्मरक्षा में, जो प्रतिवादी को नहीं लगा। बाद में जब प्रतिवादी ने फायर किया तो उसको गोली लगी। सर, कितने राउंड फायरिंग की गई? इसके हिसाब से तो दो ही राउंड फायर होना। सर, गोली कहाँ पर लगी है? गोली कंधे पर लगी है, बाएं कंधे पर गोली लगी है। आरोपी सर फरार है या गिरफ्तार किया गया? अभी तो मुकदमा लिखा गया है, पहले सारी चीज़ों का, साक्ष्यों का संकलन कर लिया जाएगा, उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा। आरोपी आरोप लगाने मात्र से गिरफ्तार नहीं हो सकता है जब तक कि आरोप में सत्यता न हो। अभी बहुत सारी चीज़ इसमें लूप होल्स ऐसे हैं जिसमें ये पूरी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, इसलिए आरोपी को हम लोग पूछताछ के लिए बुलाए हुए हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। सारे तथ्यों का मिलान करने के बाद में उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी यदि उसका दोष पाया गया तो।